this is Nikita Ved in this video we are going to do a question on porter's model

एंड सेल सिमिलर वॉल्यूम ऑफ वैक्यूम क्लीनर्स ईच ईयर वो जो चारों कंपनी भी है वो रेलीगेयर के जैसे ही प्रोडक्ट बनाती है और उतने ही वॉल्यूम सिमिलर वॉल्यूम ऑफ वैक्यूम क्लीनर बेचती है हर साल राइट रेलिगेर एंड इट्स राइवल ओन अ लार्ज नंबर ऑफ पेटेंट्स रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चर ऑफ वैक्यूम क्लीनर रेलीगेर और उसके राइवल्स क्या ओन करते हैं बहुत सारे पेटेंट्स ओन करते हैं किससे रिलेटेड मैन्युफैक्चर ऑफ वैक्यूम क्लीनर से रिलेटेड रेलीगेर बाय इट्स रॉ मटेरियल थ्रू अ नंबर ऑफ सप्लायर्स एज डू इट्स रेबल रेलीगेर और उसके रेवल्स रॉ मटेरियल के से बाय करते हैं छोटे छोटे बहुत से सप्लायर्स से बाय करते हैं एज हाई पोर्टर्स मॉडल के फोर्सेस दिए हैं उनमें से कौन सा जो फोर्स है वो क्लासीफाई होगा एज हाई तो सबसे पहला थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस हाई होंगे क्या क्या लिखा है रेलीगियर और उसके अराइवल ओन करते हैं लार्ज नंबर ऑफ पेटेंट्स रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चर ऑफ वैक्यूम क्लीनर मतलब अगर वैक्यूम क्लीनर का मैन्युफैक्चर करना है तो बहुत सारे पेटेंट्स लगते हैं इस वजह से थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस हाई नहीं है बिकॉज जहां बहुत सारे रेगुलेशंस हो लॉ हो पेटेंट्स हो वहां न्यू एंट्रेंस का थ्रेट ज़्यादा नहीं होता है देन बार्गनिंग पावर ऑफ सप्लायज बार्गनिंग पावर ऑफ सप्लायज़ तो सप्लायज के बारे में क्या दिया है रेलीगेर और उसके रेवल बाय कहते हैं रॉ मटेरियल थ्रू अंबर ऑफ स्मॉल सप्लायर्स छोटे छोटे सप्लायर्स से बाय करते हैं तो उनका बार्गनिंग पावर ज्यादा नहीं होगा ठीक है कोई ऐसा सप्लायर होता जो बहुत बड़ा होता जो हमको डोमिनेट करता तो उनका बार्गनिंग पावर हाई होता बट यहाँ छोटे छोटे सप्लायर से बाय कर रहे हैं तो बार्गनिंग पावर ज्यादा नहीं होगा कॉम्पिटिटिव राइवरी क्या लिखा हुआ है कि जहां रेलीगेयर है वहां चार और कंपनी है जो सिमिलर प्रोडक्ट ही बेचती है और ऑलमोस्ट सिमिलर वॉल्यूम ही बेचती है हर साल ठीक है तो कॉम्पिटिटिव राइवलरी क्या होगी हाई होगी ना थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट सब्सटीट्यूट के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम ये नहीं बोल सकते ये हाई है या लो है राइट सो कॉम्पिटिटिव राइवलरी Would be classified as high. gear and four other companies operating. Same market manufactures similar products and sells similar volumes of. टिव राइवलरी क्यू हाई होगी बिकॉज रेलीगेयर एंड फोर अदर कंपनीज ऑपरेटिंग इन द सेम मार्केट मैन्युफैक्चर्स सिमिलर प्रोडक्ट एंड सेल सिमिलर वॉल्यूम ऑफ वैक्यूम क्लीनर ईच ईयर सिमिलर प्रोडक्ट बनाती है ऑलमोस्ट सिमिलर वॉल्यूम बेचती है तो कॉम्पिटेटिव राइवलरी क्या होगी हाई होगी फिर अब हम किसके बारे में लिखते हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस के बारे में लिखते हैं Threat of new entrants would not be high as manufacture. Q, Q, -Q manufacture of vacuum cleaner requires. लार्ज नंबर ऑफ पेटेंट्स जब बहुत ज्यादा पेटेंट्स लगते हैं कहीं तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स कम होता है हाई नहीं होता है ठीक है इसके बारे में लिख दिया अभी किसके बारे में बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर रेली एंड एड्स राइवल्स बाय raw material from small suppliers hence bargaining power बहुत सारे छोटे छोटे suppliers से खरीदते हैं सिर्फ कोई एक ही supplier से सब चीज नहीं खरीद रहे हैं जो dominate कर सके hence bargaining power of supplier is not high and there is no information about substitutes जब substitute की information नहीं दी है तो हम नहीं बोल सकते कि वो high है या नहीं right so हमको ये चार फोर्सेस दिए हुए थे हमको बताना था कि कौन सा क्लासिफाई होगा एज़ हाई थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस हाई नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे क्योंकि मैन्युफैक्चर ऑफ वैक्यूम क्लीनर रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ़ पेटेंट्स बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई नहीं होगा क्योंकि रेलिगर और उसके अराइवल बहुत सारे छोटे छोटे सप्लायर से खरीद रहे हैं तो बार्गेनिंग पावर ऐसे में सप्लायर का हाई नहीं होता है किसी एक सप्लायर से खरीदते जो हमको डोमिनेट कर पाता कोई एक बड़ा सप्लायर तब बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर हाई होता कॉम्पिटिटिव राइवलरी हाई है क्योंकि जहाँ रेलीगेयर है वहाँ चार और कंपनी है जो सिमिलर प्रोडक्ट बनाती है और ऑलमोस्ट सिमिलर वॉल्यूम के प्रोडक्ट सेल करती है हर साल नाउ थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है राइट सो दिस वॉज इट इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्यू टूस बाय